क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, इंग्लिश में एक सुंदर वाक्य है, स्पीक ट्रूथ बट विथ लव। सच बोलो मगर प्यार से। ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार में प्रभु येसु हम सबको कहते हैं कि हमें दूसरों को उनके गलतियों के बारे में अवगत कराना है, परिचित कराना है, मगर प्यार से। प्रभु येसु आज हमें कहते हैं कि किस प्रकार हमें दूसरों की गलतियों को सुधारना है। ध्यान से सुनिए, येसु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो दो और एक व्यक्तियों के साथ ले जाओ, ताकि दो या तीन गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। अंत में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, अगर तुम्हारा भाई किसी की भी बात मानने से इनकार करता है तो उसे गैर यहूदी या नाकेदार के समान समझो। इसका मतलब क्या है, ये अंतिम वाक्य का मतलब क्या है? इस अंतिम वाक्य का मतलब बहुत ही गहरा है। इसका मतलब यह नहीं होता उसे छोड़ दो। हमें यह नहीं कहना हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, नहीं, बल्कि जब प्रभु यीशु कहते हैं उसे नाकेदार या गैर यहूदियों के समान समझो, इसका मतलब है उसे आपके प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको उससे और प्यार करना है और प्यार के साथ उसे समझाना है। उसे और प्यार करने का मतलब क्या है, उस व्यक्ति के खातिर हमें ईश्वर से दिन रात प्रार्थना करनी है। उसके मन परिवर्तन के लिए हमें ईश्वर से गिड़गिड़ाना है, रोना है, ताकि ईश्वर अपनी शक्ति से और अपनी दया से उस व्यक्ति का मन परिवर्तन कर सके। यह उस अंतिम वाक्य का मतलब है। तो आज का जो दूसरा पाठ है, उस दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें कहते हैं, अगर इस संसार में कुछ महान है, कुछ मौल्यवान है, कुछ महत्वपूर्ण है, तो वो है प्यार। आप सबको प्यार करो, प्यार से एक दूसरे को समझाओ, प्यार से एक दूसरे को प्रभु यीशु के पास ले आओ, क्योंकि प्यार ही सब कुछ है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जहां प्यार है वहां सब कुछ मुमकिन है। जहां प्यार है वहां सब कुछ मुमकिन है। चार्ली चैपलिन, उन्होंने हमारे लिए एक सुंदर वाक्य लिखा है, इस संसार में अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो बस आपको एक ही चीज की जरूरत है, और वो चीज है प्यार। प्यार से आप हमेशा अच्छा कर सकते हैं। और आज का जो पहला पाठ है, वहां पर हमें बताया गया है कि यह हमारा फर्ज है, यह हमारा कर्तव्य है कि अगर कोई गलत करता है तो उसे हमें चेतावनी देनी है। उसे कहना है कि तुम्हारा कुमार्ग छोड़कर, तुम्हारा गलत मार्ग छोड़कर ईश्वर के पास लौट आओ। ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को हमें प्यार से निभाना है, क्योंकि
प्यार एक ऐसी भाषा है जो हर कोई समझ सकता है, और इसीलिए प्रभु यीशु स्वयं प्यार को महत्व देते हैं। तो आइए प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सबसे पहले अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें हमारी गलती को सुधारना है, क्योंकि अगर हम हमारे गलती को सुधारते हैं तो हम दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना, एक अच्छा उदाहरण बन जाते हैं। और आज के इस जमाने में अच्छे उदाहरण की बहुत कमी है, तो सबसे पहले हमें हमारी गलतियों को सुधारना है, हमें एक अच्छा जीवन जीना है, और फिर हमें जो लोग कुछ गलत कर रहे हैं उन्हें उनके गलतियों से अवगत कराना है, परिचित कराना है, और उन्हें प्यार से समझाना है, ताकि वे अपने गलत मार्ग को, अपने कुमार्ग को छोड़कर ईश्वर के पास आए, ईश्वर के उपस्थिति में ईश्वर का प्यार अनुभव करें और उस प्यार को सबको बांटे। आमीन।